हाँ कमाना का तो जरिए ही है ना, हमें खुद है, गर्व कोई नहीं, छोटा बच्चा है। घर में बहुत लोग हैं, कौन-कौन है? कुछ भी नहीं निकालने दिया, गल्ले में जो पैसा था गल्ले का पैसा भी नहीं निकालने दिया है। मुंबई जवळच्या मीरा रोड मध्ये तणावाचं वातावरण निर्माण झालं होतं। गेल्या दोन दिवसांपासून इथे दोन गटांमध्ये वाद झाल्याचे अनेक व्हिडिओ व्हायरल झाले, तसंच पोलिसांनी दोन धार्मिक समुदायांमध्ये वाद झाल्याप्रकरणी 13 जणांना अटक केलेली आहे, त्यांना कोर्टासमोर सुद्धा हजर करण्यात आलं, पोलीस कस्टडीमध्ये सुद्धा आता पाठवण्यात आलेलं आहे। याच ठिकाणी जिथे मी सध्या आता आहे नयानगरमध्ये मीरा रोडमधल्या, त्या ठिकाणी अनधिकृत बांधकाम जे आहे ते पालिका प्रशासनाने बुलडोजर चालवून पाडलेलं आहे। इथं काही अनधिकृत दुकानं होती, जवळपास अशा 15 दुकानांवर पालिका प्रशासनाने कारवाई केलेली आहे। मोठ्या पोलीस बंदोबस्तात ही कारवाई झाली, त्यासाठी रॅपिड ॲक्शन फोर्ससुद्धा इथं तैनात होती आणि त्यांच्या देखरेखीखाली ही कारवाई झाली। ही सगळी जी जमीनदोस्त केलेली दुकानं आपण पाहत आहोत, ही काल पोलिसांनी कारवाई केलेली आहे। त्याचा आपका नाम बता? मोहम्मद अबुल हसन शेख। आपका क्या दुकान था यहाँ? गैरेज है, फोर व्हीलर का गैरेज था। किस कल कहाँ पे थे आप जब ये तोड़ा गया, किस तरह तोड़ा गया? दुकान के अंदर थे, हाथ पकड़ के निकला और डायरेक्ट बुलडोजर चला गया। हाथ पकड़ के बाहर निकला और डायरेक्ट बुलडोजर चला गया। उसका हम लोग को पहले कुछ मालूम ही नहीं था, क्या है नहीं हुआ कुछ भी इसके बारे में नॉलेज नहीं है। कितने टाइम से था आपका ये दुकान, कितने सालों से? तकरीबन 22 साल हुआ। 22 सालों से गैरेज था आपका? 22 तब से। इन लोग तो अभी आया, कोई 4 साल कोई 5 साल हुआ, हमारे पहले पूरा जगह हमारे अंदर थे, बाद में तो थोड़ा थोड़ा करके उन लोग को देना हुआ, सेट लोग दिया। बोले 22 साल में कितने बार कार्रवाई हुई? ये पहले बार। हमारा खुद का जाते गैरेज का कम से कम 5.5 लाख रुपए का सामान है बर्बाद हुआ। खाली गिरा ही नहीं, बोलो तो ढाबा के तोड़ा है, छबरा गिरा, एक तो एक समझ आ रहा गिर गया का कुछ चलो थोड़ा ही देखना, इसे ढपा के तो देखी ना पूरा थोड़ा हुआ, टेबल देखे, काउंटर टेबल है, टेबल कितना मोटा हेवी टेबल देखी, वो देखे वो तो हमारा कंपचा 70,000 रुपये का कंपचा रहा है, वो देखे वेल्डिंग मशीन आई। अभी खड़ा करने तो है, अभी खड़ा करने देगा नहीं देगा अपना नॉलेज नहीं है, अपना जे नॉलेज है कैसे बोलूँ। घर में इसकी वजह से असर होगा आपका जो गुजारा होता है? होता असर होगा ना। कितना असर होगा? कैसे समझाऊं मुझे? हाँ कमाना का तो जरिए तो ही है ना, हमें खुद है, गर्व कोई नहीं, छोटा बच्चा है। घर में बहुत लोग हैं, कौन कौन है? काही कांदे बटाटे जे आहेत त्यांची दुकानं होती, काही इतर जे सामान आहे भाजी विक्रेते आहेत त्यांचे दुकानं होती, आणि ही सगळी दुकानं अनधिकृत आहेत असं सांगत पोलिसांनी आणि पालिका प्रशासनाने अचानक या दुकानदारांना त्यांच्या दुकानाबाहेर काढलं। या हम लोग को हो गए अगर 40-42 साल हो गए, 40 साल। तो 40 साल में पहली बार आपका दुकान तोड़ा? हाँ पहली बार टूटा। बताया गया था, नोटिस दी गई? नहीं नहीं कुछ नहीं मालूम था, मालूम ही नहीं था, अगर कुछ मालूम होता तो सामान नहीं निकाल लेते, इतना सब नुकसान थोड़ी होता अपना, बहुत नुकसान हुआ, सब जो है काटे पीटे सब टूट टाट गए, कुछ भी नहीं बचा है। कितने बजे तकरीबन ये हुई, आप तब कहाँ थे? हम लोग सब यहीं थे, हम सब लोग यहीं थे, पुलिस वालों ने दुकान से हम लोग को बाहर निकाल दिया था। हाँ कुछ भी नहीं निकालने दिया, गल्ले में जो पैसा था गल्ले का पैसा भी नहीं निकालने दिया है। पुलिस जो जांच कर रही है, जो दो दिन हुआ या 21 को भी रात को हुआ 22 को हुआ, क्या आपकी जो दुकानें हैं या आजू बाजू में किसी को पुलिस ने हिरासत में लिया है या कोई जांच चल रही है पुलिस को? नहीं नहीं इधर कोई नहीं, इधर कुछ हुआ ही नहीं है पहली बात तो। क्या अचानक ही कारवाई का करण्यात आली, काय कारण आहे की इथं ज्या परिसरामध्ये 21 आणि 22 तारखेला अनेक व्हिडिओज व्हायरल होत आहेत, पोलीस सुद्धा त्यावर प्रतिक्रिया देत आहेत की दोन गटामध्ये वाद झालेला आहे, आम्ही 13 जणांना ताब्यात घेतलेलं आहे,
गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सुद्धा त्याबाबतची प्रतिक्रिया दिलेली आहे की अशा पद्धतीनं जो कोणी कायदा हातात घेईल त्यांच्यावर आम्ही कारवाई करू. त्यांनी आपल्या प्रतिक्रियेत अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याबाबतचं सुद्धा उल्लेख केलेला आहे. आणि त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी मीरा रोड महानगरपालिकेकडून इथल्या स्थानिक प्रशासनाकडून ही जी कारवाई आहे ती करण्यात आलेली आहे. या संदर्भात पालिकेने अद्याप आपली जी भूमिका आहे ती स्पष्ट केलेली नाही. मात्र काल इथं जे पोलीस तैनात होते तेव्हा पोलीस अधिकाऱ्यांनी माध्यमांशी बोलताना असं स्पष्ट केलेलं आहे की कारवाई जी आहे ती अनधिकृत बांधकामामुळे होत आहे, या पलीकडे प्रशासन कारवाई करत आहे, याबाबत आम्हाला कल्पना नाही, मात्र पोलिसांच्या सुरक्षेत ही कारवाई आम्ही करत आहोत.